अस्सलाम वालेकुम क्लास, आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अल्लाह के बरकत नाम से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स इन सीरीज इन पैरेलल। जब कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के अंदर अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, या अगर कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगा हुआ है जैसे कि ये ऊपर आप देख रहे हैं, तो उनके क्या फार्मूले होंगे, किस तरह से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ लेक्चर आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पर। सबसे पहले हम कैपेसिटर्स इन सीरीज को देखेंगे और उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल हम करेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटर्स इन पैरेलल को स्टडी करेंगे, उनके सर्किट को, और उसके बाद हम उसकी एग्जाम्पल करेंगे, सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को, ड्रिल प्रॉब्लम, और उससे हम देखेंगे कि किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है, अगर पैरेलल में कुछ कैपेसिटेंस लगे हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह फिर हम डिफरेंस करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे कि अगर आप सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्ट करें तो क्या होगा और पैरेलल में करें तो क्या होगा, और फिर एट द एंड मैं आज के लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स इन सीरीज आज का जो पहला टॉपिक है उसका सब टॉपिक, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, द टोटल कैपेसिटेंस इज लेस देन एनी वन ऑफ द सीरीज कैपेसिटर्स इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। कैपेसिटेंस जो है वो एक क्वांटिटी है जो बताती है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की ये कैपेबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ये एबिलिटी ये कहलाती है कैपेसिटेंस। और ये जो कैपेसिटेंस होती है ये बेसिकली इसका एक यूनिट होता है फेराड, ये फेराड में नापी जाती है, इसको मेजर किया जाता है। अब आप देखें यहाँ दो कैपेसिटेंस लगी हुई हैं, तो इन ये दोनों की दोनों कैपेसिटेंसेस जो हैं वो सीरीज में है। तो अब अगर आपने इनकी टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, जिसको टोटल सी टोटल भी कहते हैं, तो हमेशा आप याद रखें ये उसूल के इन दोनों की जो कैपेसिटेंस है, यानी ये कैपेसिटेंस वन है और ये टू है, और अगर मिसाल के तौर पे कैपेसिटेंस वन जो है, कैपेसिटर वन की वो जो है वो 10 माइक्रोफेरड है, और कैपेसिटर टू की जो है वो 5 माइक्रोफेरड है, सही है। सी टू जो है वो 5 माइक्रो, ये 10 है, सी वन सी टू 5 है माइक्रोफेरड, फेरड में नापा जाता है, और माइक्रो बेसिकली लगाया जाता है, ये एक जो है वो प्रीफिक्स में लगाया जाता है इसके और यूनिट के, और उसके अंदर फिर हम बताते हैं कि जी 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर -6 इज माइक्रो, तो माइक्रो फेरेड इसके अंदर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। पीको फेरेड भी होती है, नैनो फेरेड भी होती है, और उसके बाद जो है मिसाल हमने ली हुई है। तो अब क्या होगा, जो इन दोनों की टोटल जो कैपेसिटेंस निकलेगी ना इक्विवेलेंट, वो इस तरह से होगी कि वो यानी कि ये जो कैपेसिटेंस लगी है 10 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड, इससे कम होगी वो, यानी 5 माइक्रोफेरेड से कम होगी, जो सबसे कम कैपेसिटेंस उससे भी, जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस की वैल्यू है उससे भी कम होगी। तो क्या कह रहा है, द टोटल कैपेसिटेंस यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, जिसको कहते हैं जी सी टोट या सी टोटल, इज लेस देन एनी वन ऑफ द सीरीज कैपेसिटर्स इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होती है, सही। कोई भी कैपेसिटेंस है उसकी, कैपेसिटर की सीरीज में लगा हुआ है वो अगर, तो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होती है वो कैपेसिटेंस, तो ये कहलाता है जी कैपेसिटेंस इन सीरीज। इफ टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं, द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट ऑफ अ सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ओवरऑल इफेक्ट जो सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो आपको यहाँ नजर भी आ रहा है सी टोटल, उसका इफेक्ट क्या होता है, हैविंग द सम ऑफ टोटल ऑफ द प्लेट स्पेसिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, यानी कि वो टोटल जो इफेक्ट होता है उसका, वो ये होता है कि आपकी जो इंडिविजुअल जो आपकी कैपेसिटेंसेस होती हैं उनका सम, उनकी जो प्लेट्स के दरमियान डिफरेंट प्लेट स्पेसिंग, प्लेट स्पेसिंग क्या होती है कि ये जो कैपेसिटर है, ये जो दो प्लेटें हैं कैपेसिटर में, आपको पता है दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं, और उसके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक होता है, जो इंसुलेटिंग मटीरियल होता है, वो एयर भी होती है, वो वैक्यूम भी होता है, उसके अलावा वो मीका और ग्लास भी होता है, पेपर भी होता है, मुख्तलिफ किस्म के डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स जो इंसुलेटर होते हैं और अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते, वो इसके दरमियान में रखे जाते हैं, और ये जो प्लेट इसमें, तो इससे क्या होता है कि अगर आप सीरीज में लगाते हैं कैपेसिटर, तो क्या होता है जी कि उसके नतीजे में जो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होता है
उसमें क्या होता है, कैपेसिटर हैविंग द सम टोटल, उसमें जो टोटल आपकी डिस्टेंसेज होते हैं उनको सम हो जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं ऑफ द प्लेट स्पेसिंग ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। वो इंडिविजुअल जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स, ये देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है इन दो प्लेटों के दरमियान, ये जो इन दो प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस है, वो क्या होता है उसका सम यानी उसका एडिशन हो जाता है। और आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लेट स्पेसिंग के। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी, ये फार्मूला होता है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है हमारे साथ कि क्योंकि सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वन अपॉन डी के, तो नतीजतन होता ये है कि आपकी जब प्लेट्स की डिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि जाहिर है वो सम हो रही है, जब सीरीज में कैपेसिटेंस होते हैं तो उसका बिहेवियर ये होता है कि आप सीरीज में जितने भी आपने कैपेसिटेंस लगाए उन सारों का जो डिस्टेंस होता है डी, वो सारे के सारे आप समझ लें कि वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं, उनका सम कंबाइन इफेक्ट जो है वो उनका सम जनरेट करता है। और जब ऐसा होता है तो उसकी वजह से नतीजतन रिजल्ट एज अ रिजल्ट एज अ इन इट्स कंक्लूजन व्हाट विल हैपन कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। एंड इंक्रीज इन प्लेट स्पेसिंग, यानी कि प्लेट की स्पेसिंग के अंदर जो इंक्रीज होता है, ये देखें आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दो इनकी स्पेसिंग कम थी, लेकिन जब इनको हमने इनके इक्वेलेंट हमने निकाला, कैपेसिटेंस लगाया तो उसके जो है रिप्लेस किया, तो उसकी जो प्लेट की स्पेसिंग है वो बढ़ गई। और जब प्लेट की स्पेसिंग बढ़ जाती है, पहले भी बताया, तो कैपेसिटेंस रिड्यूस होती है, क्योंकि ये कैपेसिटेंस और प्लेट स्पेसिंग दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। एंड इंक्रीज इन प्लेट कैपेसिटेंस, जाहिर है कि जब ऐड हो रही है तो वो इंक्रीज होगी। एंड इंक्रीज इन प्लेट कैपेसिटेंस, जो इंक्रीज होती है जब प्लेट कैपेसिटेंस विद ऑल अदर फैक्टर्स अनचेंज, जबकि आपने डायलैक्ट्रिक भी सेम रखा हुआ है, जबकि आपने प्लेट्स जो हैं उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी आपने चेंज नहीं किया, रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड कैपेसिटेंस एज अ रिजल्ट, जो मैं आपको पहले बताता जा रहा हूँ कि उसके नतीजे में कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है। कैपेसिटेंस तीन चीजों पर डिपेंड करती है, डायलैक्ट्रिक के कॉन्स्टेंट पर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स के ऊपर, और वो डिपेंड करती है डिस्टेंस यानी प्लेट की दरमियान स्पेसिंग पे। और प्लेट और स्पेसिंग जो है, प्लेट स्पेसिंग और कैपेसिटेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कैपेसिटेंस के दरमियान और कैपेसिटेंस और एरिया के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जब सीरीज में हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो उनके दरमियान ही प्लेट स्पेसिंग होती है वो ऐड हो जाती है, वो सम हो जाती है। और एज अ रिजल्ट उसकी वजह से क्या होता है, वो सम ऑफ द सम टोटल ऑफ द प्लेट स्पेसिंग ऑफ इंडिविजुअल, यानी हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की जितनी प्लेट स्पेसिंग है उसका सम हो जाती है, ऐड हो जाती है। और जब वो ऐड होती है तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस जो है, आपको पता है कि प्लेट स्पेसिंग और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो जब प्लेट स्पेसिंग बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाती है, और जब कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है तो उसकी वजह से आपकी जो सीरीज सर्किट्स हैं उनमें जो अगर आप कैपेसिटेंस कनेक्ट करें तो उसमें आपकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। आगे चलते हैं, इसी को आगे समझते हैं फर्दर। Thus, the total capacitance is less than any one of the individual capacitors' capacitance. जो पहले भी मैंने explain किया कि जो आपकी total capacitance की value आती है, यहाँ आपको C total जो मिलता है, वो जो है वो individual capacitors की capacitance से कम होता है। Any one, किसी भी एक, यानी कि जो सबसे छोटी value है 1 microfarad लगाए तो capacitance जो total होगी वो 1 microfarad से भी कम होगी। सही? The formula for calculating the सीरीज टोटल कैपेसिटेंस इज द सेम फ्रॉम एज फॉर कैलकुलेटिंग पैरेलल रेजिस्टेंस। जिस तरह से हम पैरेलल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते थे उसी तरह से रेसिप्रोकल के अंदर वो फार्मूला होता था, उसी तरह से यहाँ पर भी जो हमारे पास सीरीज में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसका भी फार्मूला उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। ये देखें, सी टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन CN, यहाँ तक भी आपके कैपेसिटर्स जा रहे हैं, एन वैल्यू तक हो जाता है। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में बड़े आसानी होगी। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, एक बैटरी आपने कनेक्ट कर दी और आपने सीरीज में 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है कि ये कैपेसिटर्स जो है ये एक के बाद एक लगे हुए हैं और इनके अंदर करंट का फ्लो का एक ही पाथ है सर्किट में, तो ये कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज कनेक्टेड कैपेसिटर्स कहलाएंगे।
और इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दी हुई है, एक 10 फेरेड है, एक 5 फेरेड है और एक 2 फेरेड है। फार्मूला आपके आगे रेसिप्रोकल वाला दिया हुआ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये वैल्यू आपने इन तीनों की वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दी, ये 1 अपॉन 10 फेरेड, 2 फेरेड एंड 5 फेरेड, ये तीनों आपने वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर। और आपने जब इनका जो है एलसीएम लिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 8 अपॉन 10 फेरेड, और उसको फिर आपने जब आपको पता है कि ये क्योंकि ये 1 अपॉन सी इक्वेलेंट जो है ये आप देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर के अंदर है, तो आपने इसको जो है वो इन्वर्ट कर लिया और ये ऊपर आ गई सी इक्वेलेंट, और आप देखें इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 8। सही, 10 अपॉन 8 आपके पास वैल्यू आ गई। जब आपने इनको 10 और 8 को आपस में डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई जी 1.25 फेरेड। तो ये तरीका है जिसकी मदद से आप एलसीएम लेके और आप जो है ये कैपेसिटर्स जो है इनको जो है वो क्या कहते हैं इन अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो आप इस फार्मूले से इनकी कैपेसिटेंस को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाती है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि ये तीन कैपेसिटर्स आप कनेक्ट ना करें बल्कि इसकी जगह एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें जिसकी कैपेसिटेंस 1.25 फेरेड हो। अंडरस्टूड? तो ये थी एग्जाम्पल कैपेसिटेंस सीरीज की। आइए आगे चल के इस कॉन्सेप्ट को जो पैरल का कॉन्सेप्ट है उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो कैपेसिटर्स इन पैरल है। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरल, जब कैपेसिटर्स पैरल में कनेक्ट होते हैं द टोटल कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो सम होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का। इफ टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरल, जब दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स पैरल में कनेक्ट होते हैं द ओवरऑल इफेक्ट इज दैट ऑफ ए सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर having the same total of the plate areas of the individual capacitors. सही है? तो इसमें क्या होता है, इसमें जब आप capacitors को connect करते हैं parallel में तो इसका overall effect जो है वो किस चीज के ऊपर पड़ता है, वो पड़ता है area of the plates पे, यानी कि इनकी जो area, ये जो plate, ये देखें दो capacitors आपको parallel में नजर आ रहे हैं, इसका plate का area और इसके जो C2 की plate का area है, आप समझे इनका combined effect ऐसे होता है कि ये आपस में sum कर जाते हैं, एरिया ऑफ द प्लेट 1 प्लस एरिया ऑफ द प्लेट 2, ये ऐड कर जाते हैं पैरेलल में इनके एरियाज, और इसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है क्योंकि आपको पता है सी यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स। जो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर्स की उनका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के। तो अब आप पैरेलल में इफेक्ट क्या होता है, कंबाइन इफेक्ट ये होता है सिंगल इक्विवेलेंट कैपेसिटर की तरह एक कैपेसिटर का पैरेलल में कनेक्टेड नेटवर्क एक्ट करता है और उसमें सम टोटल ऑफ द प्लेट एरिया ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो सम हो जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जब एरिया इंक्रीज करता है और फैक्टर्स अनचेंज रहते हैं, आप डायलेक्ट्रिक चेंज नहीं करते, आप प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस चेंज नहीं करते, तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। ये देखें आप कि यहाँ दो कैपेसिटर्स आपको कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, इनका एरिया कम है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली आपने तो देखा इसका एरिया उसने इंक्रीज कर दिया। ये समझाने के लिए आपको किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए कि एरिया असल में जो है वो एड अप हो जाता है, सम हो जाता है, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 जितने भी आपने लगाए हुए कैपेसिटेंस का, और उसकी वजह से जो कंबाइंड टोटल कैपेसिटेंस हमारे पास आती है वो इंक्रीज कर जाती है। सही है? एंड इंक्रीज इन द प्लेट एरिया विद ऑल अदर फैक्टर्स अनचेंज। प्लेट एरिया के अंदर जब आप इंक्रीज करते हैं और दूसरे फैक्टर्स को अनचेंज रखते हैं, सो कैपेसिटर्स जो हैं वो जब पैरल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कंबाइंड इफेक्ट कि उनके जो एरिया होते हैं प्लेट के वो सम अप हो जाते हैं, और जब वो सम अप होते हैं तो आपको पता है कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, और जब एरिया एड अप हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। यही आपको मैं बता रहा हूं, और अभी हम इसको एक दफा देखते हैं क्या हो रहा है। एन इंक्रीज इन प्लेट एरिया, जबकि प्लेट का एरिया बढ़ जाता है, ये देखें प्लेट एरिया दो छोटी प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं और यहाँ पे एरिया इंक्रीज कर गया, तो ये बता रहा है कि बेसिकली सिंबॉलिकली ये डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम कैपेसिटेंस जो पैरल में लगे होते हैं तो उनकी प्लेट्स का जो एरिया है वो इंक्रीज करता है, और उसके नतीजे में क्या होता है विद ऑल अदर फैक्टर्स अनचेंज, और अगर ऑल अदर फैक्टर्स हमारे अनचेंज रहते हैं
रिजल्ट्स इन इंक्रीज कैपेसिटेंस, उसमें आपकी जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज कर जाती है। सही है, तो ये है हमारी कैपेसिटर्स इन पैरल। आइए आगे देखते हैं इसी टॉपिक को, और आपको पता है पैरल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है और सीरीज में डिक्रीज हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। दस द टोटल कैपेसिटेंस इज मोर देन एनी वन ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस। जो टोटल कैपेसिटेंस होती है वो किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे दो वन एक वन माइक्रो फैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, दूसरा भी वन माइक्रो का लगा हुआ है, तो दोनों की जो कैपेसिटेंस होगी वो ऐड हो जाएगी ना, तो वो टू माइक्रो फैराड हो जाएगी। सही, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगी, मोर होगी। द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पैरल टोटल कैपेसिटेंस इज द सेम फॉर्म एज फॉर कैलकुलेटिंग सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज में रेजिस्टेंस जिस तरह से आप जो है वो टोटल रेजिस्टेंस जो होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है, वैसे ही पैरल के अंदर टोटल कैपेसिटेंस जो होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस होती है। यानी कि आप जिस तरह सीरीज में अगर दो रेजिस्टर लगे हैं, दो ओम का दूसरा एक चार ओम का, तो आप क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए उनको ऐड कर लेंगे सिंपल अरिथमेटिक यूज करके, है ना, 2 + 4 = 6। उसी तरह से कैपेसिटर्स का पैरल के अंदर बिहेवियर होता है, वो ये फार्मूला यूज होता है नीचे जो लिखा हुआ है। सी टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो कैपेसिटेंस की जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होते हैं उनकी कैपेसिटेंस का सम होती है। अंडरस्टूड? जो आइए इसको आगे देखते हैं एग्जांपल के तहत। ये एक एग्जांपल आपको दी हुई है, एक बैटरी है और दो आपके पास पैरल में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। आप देखें पैरल इस तरह से कहेंगे कि इसमें दो ब्रांचेज है और करंट जो है हमारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और आपको पता है कि सीरीज पैरल सर्किट जो है वो करंट डिवाइडर होता है। तो आप देखें करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है आपका, और ये आप देखें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे कि आप C1 + C2 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगी अर्थमेटिकली, जस्ट ऐड करेंगे, है ना। तो 8F 8 फैराड, 12F यानी 12 फैराड, इन दोनों को ऐड किया आपने, और ऐड करने से 20 फैराड आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। तो ये है मेथड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का पैरेलल के अंदर। ये एग्जांपल हमने की पेपर में, इसी से मिलती जुलती एग्जांपल्स आपको नजर आएंगी, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज की और पैरेलल सर्किट्स की दी जाएगी करने के लिए सॉल्व। आगे देखते हैं इसको, ये हमारे पास कंपैरिजन आ रहा है इनका ना, ये दोनों सर्किट। सबसे पहले तो ग्राफिकली उसने आपको डायग्रामिकली एक डायग्राम्स बना के दिखाया हुआ है कंपैरिजन। यदि इसमें एक ही पाथ है फ्लो ऑफ करंट के लिए, इसमें जो है वो मल्टीपल 3 ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ये पैरल है, सही है, सर्किट है, और कैपेसिटेंस पैरल में लगे हुए हैं। फिर उसने आपको बताया कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, चार्ज, उनके यूनिट्स आपको बताए इसने, सही है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो उसने आपको सिंबल्स भी बताया उसके, सही है। और उसके बाद जो है वो यहाँ उसने आपको बताया कि टोटल कैपेसिटेंस अगर आपने जो है वो सीरीज सर्किट की मालूम करनी है तो ये आपको 1/C total = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज द सेम, हर चार्ज जो अगर आप सीरीज सर्किट की बात करें तो हर कैपेसिटर में चार्ज सेम होता है, एंड इक्वल टू टोटल चार्ज इन द सीरीज सर्किट। और ये सीरीज सर्किट में जितना भी टोटल चार्ज होता है QTOTAL होता है उसके ये बराबर होता है, सही। इसी तरह अगर आप देखें पैरेलल सर्किट के अंदर तो इसमें भी क्वांटिटीज आपको बताई हैं और आपको सिंबल्स बताएं और बताएं फार्मूला क्या होगा पैरेलल के अंदर। ये टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 होगा, और रूल क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल के अंदर हर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, एंड इक्वल टू द वोल्टेज इन द पैरेलल सर्किट, और किसके बराबर होता है, जितना सप्लाई वोल्टेजेस होते हैं इसके बराबर होते हैं, सही है ना। तो इसमें वोल्टेज सेम होता है आपका, सही है, और यहां पर जो है वो चार्ज सेम होता है, सही है ना। तो आगे ये हमने पढ़ा जी, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर्स के, सीरीज में भी इसको लगाया जाता है और पैरेलल में भी इसको कनेक्ट किया जाता है। आइए समराइज करता हूं आज के लेक्चर को। एज यू विल नो डाउट नोटिस दिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय रेजिस्टर्स। आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि रेजिस्टर्स के बिल्कुल अपोजिट फिनोमेना होता है इसके अंदर। जैसे कि रेजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं उनको ऐड नहीं करते आप सिंपली, बल्कि आप रेसिप्रोकल फार्मूला जो होता है 1/C total = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ... + 1/CN तक, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें
रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो वहां पर क्या फार्मूला यूज होता है, 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3 प्लस 1 अपॉन आर डॉट डॉट फिर प्लस 1 अपॉन आर एन। लेकिन अगर आप पैरेलल में कैपेसिटर्स की बात करें तो वो सिंपली अर्थमेटिकली एड हो जाते हैं, उनकी जो कैपेसिटेंस होती है। विद द रेजिस्टर्स सीरीज कनेक्शन रिजल्ट इन एडिटिव वैल्यूज, वाइल पैरेलल कनेक्शन रिजल्ट इन डिमिनिश वैल्यूज। जो आपकी सीरीज कनेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है जी, आपकी जो रजिस्टर्स होती हैं जब वो सीरीज में कनेक्ट की जाती हैं तो उनकी वैल्यूज एड अप हो जाती है ना, अर्थमेटिकली उसके अंदर एडिशन होता है। लेकिन पैरल के अंदर क्या होता है, रजिस्टर्स की वैल्यूज डिमिनिश होती है, कम होती है टोटल जो होती है। लेकिन कैपेसिटर्स में रिवर्स होता है, विद कैपेसिटर इट्स द रिवर्स, रिवर्स होता है, पैरल कनेक्शन रिजल्ट इन एडिटिव वैल्यूज, पैरल जो कनेक्शन होते हैं उसमें वैल्यूज आपकी एड हो जाती है, वाइल सीरीज कनेक्शन रिजल्ट इन डिमिनिश्ड वैल्यू, सीरीज कनेक्शन में आपकी वैल्यूज जो है वो रिड्यूस हो जाती है। कैपेसिटेंस इज डिमिनिशन सीरीज, कैपेसिटेंस सीरीज में कम होती है, मिनिमाइज हो जाती है, कैपेसिटेंस एड इन और पैरेलल में एड हो जाती है, जाहिर है उनकी वैल्यू एड होके बढ़ जाती है। तो ये था आज का लेक्चर, सीरीज इन कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स हमने पढ़ा, उसका फार्मूला पढ़ा, उसको कैसे सॉल्व करके कैलकुलेट करना ये पढ़ा। आइए आगे असाइनमेंट देख लेते हैं। आपने फार्मूला बताना है कि क्या है कैपेसिटर्स जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो कौन सा होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।